हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है बच्चों। ओके, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है और टेल्यूरियम है। ओके, अब देखो अगर ये यहीं तक पूछता ना तो हम केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं इसमें, लेकिन ये ने कह दिया कि कंसिडर बोथ साइन एंड मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द जनरली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द गैसियस नेगेटिव आयन। ओके बच्चों, अब देखो जैसे ये है बच्चों, ओके मान लो एम गैस था, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एम माइनस गैस बना दिया बच्चों। इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जनरली बच्चों ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक होती है। ओके, पहला इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होता है, ओके एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ओके, अब जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और जब सिंपली लिखा हो तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही बात करते हैं, तो वो नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। रेडियस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों, उतनी कम होगी। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, तो क्योंकि हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है, तो रेडियस क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए बच्चों, आपकी डिक्रीज करनी चाहिए डाउन द ग्रुप। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। ओके, नेगेटिव तो सभी की होगी। ओके बच्चों, तो डाउन द ग्रुप क्या करनी चाहिए बच्चों, ये आपकी डिक्रीज करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हमें साइन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिडर करने हैं। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, हम उसको पीछे दिखाएंगे। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पीछे रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन वहां पर लगा हुआ है। ओके बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रेडियस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए बच्चों। लेकिन होता है क्या है बच्चों, जनरली कि आपका जो सल्फर है ना, इसकी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ओके बच्चों, इनफैक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीट्यूड में बात करें ना, तो पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। देखो अगर ऑक्सीजन सल्फर को समझे, तो इसमें यह होता है कि ऑक्सीजन है 2H2P4 और ये है आपका 3H2 3P4। ओके बच्चों, अब जो साइज है ना, वो 3P का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2P। ओके, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना, उसको यहाँ पर जब वो ऑक्सीजन के पास जाएगा ना, तो उसको ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू सल्फर। तो सल्फर उसको ज्यादा वेलकम कर रहा है, तो इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है बच्चों। ओके, अगर हम सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड का जो हमारा ऑर्डर होता है ना, वो होता है और सभी मतलब जो है नेगेटिव में रहते हैं, इसलिए हम केवल मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सल्फर का सबसे ज्यादा होता है बच्चों। ओके, सल्फर के बाद आता है सिलेनियम, सिलेनियम के बाद टेलूरियम, और सबसे पीछे रहता है इसमें ऑक्सीजन। और अब जब हम एक्चुअल जो क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वहां पर हमें साइन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसिडर करने हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसके पीछे टेलूरियम, फिर सिलेनियम, और सबसे पीछे हो जाएगा आपका सल्फर। ओके बच्चों, सब करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।